Good morning to all my dear students of class 6th. Today I am here to explain you all the chapter number 11 of the subject moral values. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को मॉरल वैल्यूज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 एक्सप्लेन करूंगी. द नेम ऑफ द चैप्टर इज फेस द प्रॉब्लम्स, यानी हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए. अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो हमें उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि पहले ही हार मान लेनी चाहिए कि ये हमसे नहीं हो पाएगा या उस चीज़ से भागना नहीं चाहिए. द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि अगर हमको किसी चीज़ से डर लगना चाहिए तो वो डर ही है. हमको डर से ही डर लगना चाहिए. हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें किसी चीज़ से डर ना लगे. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर लाइफ वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. इंस्टेड ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम्स सम पीपल जस्ट सिट एंड बिवेल देयर लॉस. सम पीपल रन हेयर एंड देयर एंड ट्राई टू गेट एडवाइस फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स. द रिजल्ट इज दे गेट सो कन्फ्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग, द डिफिकल्ट वर्ड्स विच आई हैव अंडरलाइन यू ऑल विल ऑल्सो अंडरलाइन. ये कह रहा है कि हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए. कुछ लोग क्या करते हैं कि बस बैठ के तमाशा देखते रहते हैं प्रॉब्लम्स का, कोई मेहनत नहीं करते उसके प्रति और उनको लॉस होता जाता है. और कुछ लोग क्या करते हैं, 10 लोगों से जाके सजेशन लेते हैं और उनको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, बल्कि वो और कंफ्यूज हो जाते हैं. बट देयर आर सम पीपल हु जस्ट लुक बोल्डली इनटू द प्रॉब्लम्स, थिंक कामली एंड पेशेंटली एंड ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बोल्डली प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हैं और आराम से चिंतन करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. दीज आर द पीपल हु कम आउट विनर्स, और यही लोग विनर्स कहलाते हैं. लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, ट्रू रोल मॉडल ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया. दिस इज द पिक्चर ऑफ स्वामी विवेकानंद. आज हम इन्हीं की एक स्टोरी को पढ़ेंगे जो कि एक इंडिया के यूथ मॉडल थे. वन स्वामी विवेकानंद हैड गॉन टू बनारस. ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ विजिट टू द टेम्पल. द लेन ही टुक वॉज नैरो. देयर वॉज अ वॉल ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड अ लार्ज टैंक. एक बार स्वामी विवेकानंद बनारस से वापस आ रहे थे टेम्पल में दर्शन करके. जो जगह, जो रास्ता उन्होंने चुना था वो बहुत ही नैरो था. वहाँ पे एक तरफ वॉल थी और एक तरफ बड़ा सा टैंक था. एज ही वॉज वॉकिंग अ ट्रूप ऑफ मंकीज स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स हिम. जैसे जैसे वो चल रहे थे मंकीज का झुंड, बंदरों का झुंड उनको फॉलो करने लगा. दे रैन आफ्टर हिम एंड वर अबाउट टू पाउंस ऑन हिम. वो बंदर जो है उनकी तरफ भागने लगे और उन पे झपट्टा मारने की उन्होंने कोशिश करने लगी. द मंकीज चेज्ड हिम. सडनली अ वॉइस केम. मंकीज बस ये लग रहा था कि अब उनको काट ही लेंगे. तभी एक आवाज़ आती है, फेस द ब्रूट्स. स्वामी विवेकानंद सॉ दैट एन ओल्ड मैन वॉज स्टैंडिंग फार ऑफ इट वॉज द वॉइस दैट ही हैड हर्ड. तब स्वामी विवेकानंद ने पलट के देखा कि दूर पे एक बुढ़े से आदमी खड़े थे. उन्होंने चिल्लाया कि भागने के बजाय इनको फेस करो. स्वामी जी टर्न्ड बैक एंड फेस द मीनेसिंग मंकी. स्वामी जी पीछे मुड़े और वो मंकीज को उन्होंने बहुत तेज घूरा. ही स्टेयर्ड एट देम बोल्डली एंड द मंकीज रैन अवे. और उनके घूरने से बंदर जो है डर गए और भाग गए. जब स्वामी विवेकानंद भाग रहे थे तो बंदर भी उसके पीछे, उनके पीछे भाग रहे थे ये सोच के कि ये तो हमसे डर रहा है. लेकिन जैसे ही स्वामी जी पलट के उनकी तरफ घूरे वैसे ही बंदर डर के उनसे भाग गए. After a few days, Swami Vivekananda went to USA. Speaking to the people there, he told them about this incident and said, "This is the lesson for all in life: face the trouble, face it boldly. Like the monkeys, the hardships of the life fall back when we cease to the flee before them. If we are ever to gain freedom, it must be by conquering nature, never by running away. Cowards never win victories. We have to fight fear and troubles and ignorance." If we expect them to flee before us. इस घटना के कुछ दिन बाद वो USA गए और USA में वहाँ पे लोगों को उन्होंने इस इंसिडेंट्स के बारे में बताया और ये बोला कि आप बंदरों को अपनी डिफ़िकल्टी समझिए और आप ये समझिए कि अगर मैंने बंदरों को झेला नहीं होता, उनको घूरा नहीं होता, उस प्रॉब्लम को फेस ना की होती तो वो हमसे डरते नहीं, उल्टा मेरे ऊपर हावी हो जाते, मुझे काट लेते. उसी तरह ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें उन्हें फेस करके सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बैठ के सिर्फ तमाशा देखना चाहिए. तो ये था हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी कि वी शुड फेस द
problems. Now let's do the exercises. Take the correct answer. If we are in problem, we should think calmly. This answer I haven't marked. Kindly mark this answer. And iska answer hoga number C. If we are in problem, we should think calmly. Once Swami Vivekananda had got to Banaras. As Vivekananda was walking, some monkeys coming towards him. So, think calmly, Banaras and monkeys. State true or false. Swami Vivekananda is a true model of youth India. True. Once he went to Shimla to visit the temple. False. He went to Banaras, not Shimla. The monkey chased him. True. Cowards always win victories. False. Cowards कौन होते हैं जो problems को face नहीं करते, तो cowards की कभी भी जीत नहीं होती है. So this is false. Filling the blanks. Vivekanand had gone to Banaras. A troop of monkeys started coming towards him. Suddenly a voice came that faced the brutes. Cowards never win victories. We should face the trouble boldly. So that's it. Chapter number 11 is over today. Explanation and exercises. Question answers you will get in the homework. Thank you very much.